पैसे लेकर लेखपाल द्वारा कराया गया चारागाह पर अवैध कब्जा, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। शाहबाद हरदोई। ताज़ा मामला ग्राम भोगीपुर चेना का है। लेखपाल पैसा लेकर करवा रहे भू माफियाओं को चरागाह की जमीन पर कब्जा, कई ग्रामीणों ने लगाया आरोप की चरागाह की जमीन पर दबंग मुस्तैक। भोगीपुर चेना का अवैध कब्जा लगभग 20 साल से है। लेखपाल के साठ गांठ से लगभग 50 लाख की जमीन को भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। इस संबंध में जिले के मुखिया से ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक लेखपाल ने जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया, जबकि कंप्लेंटकर्ताओं को लेखपाल द्वारा फोन करके धमकाया जा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी सरकारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं रहेगा, फिर भी लेखपाल भू माफियाओं की मदद कर रहे हैं। इस संबंध में लेखपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी बात नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे। जब इस संबंध में एसडीएम शाहबाद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या चरागाह की जमीन जोते हैं मुख्तार। कौन जोते हुए? मुख्तार। कहाँ के रहने वाले हैं? भोगियापुर सेना। अच्छा, आप कहाँ के रहते हैं? हम भी भोगियापुर सेना। पूरे गांव की रास्ता बंद करिए, फिर किसी पूरा गांव तंग है, किसी को रास्ता मेड़ पर तक निकलने नहीं देती। अप्लीकेशन दी आपने? अप्लीकेशन है तीन चार दी। किसको दी अप्लीकेशन? दो अप्लीकेशन है एस डी एम साहब के यहाँ दी, तहसील दिवस में दी। कार्रवाई कुछ हुई? कोई आया तक नहीं यहाँ लेखपाल, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेखपाल पैसा खाता है इसीलिए आता नहीं है। किससे पैसा लेते हैं? जब जमीन जिसे जुता रहे उसे तिल लेती है पैसा। किसको जुता रहे हैं? मुश्ताक। कितने रुपए लेते हैं लेखपाल? जो भी लेते हुए जिसे फसल को उतने, काफ़ी दिन से जमीन जोते 20 साल हुई है। आपने जब एप्लीकेशन दी थी? हाँ दी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया, एप्लीकेशन दिए कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल ने क्या बताया? लेखपाल कुछ बोलते नहीं, बोलता जमीन हम जुतवा रहे हैं। किसको जुतवा रहे हैं जमीन? तैयार गया है। आप बताइए, आपने एस डी एम साहब को एप्लीकेशन दी थी, एस डी एम साहब ने क्या बताया? कितने दिन हो गए एप्लीकेशन दिया? लेखपाल आया था? नहीं, कभी नहीं आया। लेखपाल आया नहीं, उसका फोन करता, धमकी देता था, तो हम साथ देते रहे, वो कभी नहीं सुनता, साथ देते थे।